बीच गांव में वीर की लाश पड़ी थी। लोगों का जमघट वीर के खून से लथपथ शरीर को घूरते हुए उसे चारों तरफ से घेरे खड़ा था। इतने में वीर का दोस्त लिटिल सिंघम वहां आता है। अरे वीर, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरे दोस्त, किसने तुम्हें मारा है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक बार बस उसका पता चल जाए तो मैं उससे तुम्हारे अंत का बदला लेके मानूंगा वीर, मेरे दोस्त। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग वहां से चले जाते हैं, पर लिटिल सिंघम अपने दोस्त की लाश के पास रोता रहता है। उस तूफानी बारिश में और बिजली के जोरदार अट्टहास के बीच लिटिल सिंघम के अंदर बदले की आग जल रही होती है। लिटिल सिंघम भेड़िया मानव के पास जाता है और कहता है, भेड़िया मानव, मुझे बताओ कि वीर का हत्यारा कौन है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया मानव कहता है, तू मुझे क्या समझता है लिटिल सिंघम? मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा कि वीर का कातिल कौन है। लिटिल सिंघम कहता है, ठीक है, तो अब तू अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा भेड़िया मानव। लिटिल सिंघम भेड़िया मानव पर अपनी शक्तियों का हमला करता है। अरे ये क्या, मैं मर जाऊंगा लिटिल सिंघम, मुझे माफ कर दो। वीर का कातिल उसकी सौतेली माँ ही है, उसी ने मुझे वीर को मारने को कहा था। वो वीर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लिटिल सिंघम भेड़िया मानव को छोड़ के वीर की सौतेली माँ के पास जाता है। ये तूने क्या किया? वीर से इतनी नफरत, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लिटिल सिंघम वीर की सौतेली माँ का अंत कर देता है और अपने दोस्त वीर का बदला ले लेता है।